हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्रीमी चीज़ी एंड डिलीशियस पास्ता की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो देख पाए। चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं व्हीट पेने पास्ता। तो ये सारी वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने कट करके रख ली हैं। जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दो प्याज मैंने क्यूब्स में कट करके रख लिए हैं, गार्लिक रखे हैं एंड जिंजर को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल कर लिया था, उसमें थोड़ा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। उसके बाद में यहाँ पर जब पानी बॉयल हो गया तो इसमें पेने पास्ता डाल दिया एंड ये अभी कच्चा ही है, थोड़ा पका नहीं है, तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तो उसके बाद इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे। तो यहाँ पर ये अब वापस चेक कर लेते हैं हम कि पका है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पूरा हमें इसे गलाना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल मैंने ऐड किया। उसके अंदर यहाँ पर मैंने चॉप्ड जिंजर और गार्लिक ऐड किए हैं। उसके बाद में थोड़े से सॉटे करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑनियंस ऐड कर दिए हैं, तो इसे भी सॉटे कर लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने चॉप टोमेटो ऐड किया है। तो यहाँ पर एक बड़ा साइज़ का टोमेटो लिया है, उसे इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, उसे ऐड कर दिया है। 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर्स के जो बेल पेपर्स है, लाइक ग्रीन, येलो एंड रेड बेल पेपर, वो इसमें ऐड कर दिए। उनको भी क्यूब्स में कट किया था, तो उन्हें भी सॉटे किया 2 मिनट के बाद। उसके बाद बाकी जो वेजेस थे तो उनको मैंने ऐड कर दिया है। तो आप चाहें तो ये वेजिटेबल्स को ब्लांच कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इसी तरीके से रखा है बिकॉज मुझे थोड़ा सा क्रंची टेस्ट पसंद है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये पास्ता सॉस, तो ये पास्ता सॉस यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून ऑफ पास्ता सॉस मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद में जो बॉटल थी तो उसमें थोड़ा बहुत था, तो उसमें मैंने पानी ऐड किया एंड वो इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो सॉस का काम करेगा ये। आप चाहें तो इसमें टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं, धनिया। तो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 कप मेयोनीज ऐड करेंगे इसके अंदर, तो क्रीमी टेक्सचर। उसके बाद में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिक्स्ड हर्ब यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर 1 टीस्पून ऑफ मिक्स हर्ब ऐड करूँगी। देन यहाँ पर रेड पेपरिका मैंने ऐड किया है, इसे भी फिर एक बार मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो पास्ता बॉईल करके रखा था तो वो पास्ता इसमें ऐड कर देंगे एंड इसे अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा जो भी सॉस है वो अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अब यहाँ पर मैं चीज़ ग्रेट कर रही हूँ, तो ये प्रोसेस चीज़ मैंने ली है। तो यहाँ पर 2 क्यूब्स ऑफ चीज़ के मैं इसमें ऐड करूँगी। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 ऐड किया है। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और सॉल्ट आप चेक करके ऐड कर सकते हैं, बिकॉज़ जो पास्ता सॉस था उसमें भी सॉल्ट था, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्रीमी एंड चीज़ी पास्ता बनके तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।